नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन मैं हूं आपके साथ खुशबू राज्य में कोरोना विस्फोट के बाद बिगड़ती स्थिति को देख निजी अस्पतालों में भी मरीज इलाज करा सकेंगे कोविड के 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 मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक निजी अस्पताल सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं जिला प्रशासन ने मानक पर खड़ा उतरने वाले अस्पतालों को ही अनुमति देने की बात कही है निजी अस्पताल में मरीज अपने खर्च पर इलाज करा सकेंगे पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिया जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन विश्वव्यापी महामारी को ध्यान में रखकर सभी अस्पताल खुले हैं जिलाधिकारी ने निजी अस्पताल को आगे आने और कोविड नाइन्टीन मरीजों के लिए फ्लू कॉर्नर बनाकर चिकित्सा शुरू करने को कहा है डीएम ने कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में कुल बेड के बीस से पच्चीस प्रतिशत आरक्षित आइसोलेशन वार्ड के रूप में रखने और किसी भी मरीज को इलाज से मना नहीं करने को कहा है उन्होंने कहा है कि जो अस्पताल उपयुक्त होगा उस इंडियन किट भी उपलब्ध कराई जा सकती है उसके उपरांत पॉजिटिव मरीज को आइसोलेशन वार्ड और निगेटिव पेशेंट को जनरल वार्ड में रखा जा सकता है कोविड नाइन्टीन से संबंधित मरीजों के लिए तीन तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है पहला होम आइसोलेशन और उसकी निगरानी दूसरा माइल्ड सिप्टोमेटिक मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जिला अनुमंडल स्तर पर एवं कोविड केयर हॉस्पिटल जिला स्तर पर बनाया गया है तीसरा डेडिकेटेड कोविड नाइन्टीन एन एम सी एच पी एम सी एच और एम्स में बनाया गया है निजी अस्पताल को कोविड नाइन्टीन के तहत सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन देने और कोविड नाइन्टीन से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है कोविड नाइन्टीन के मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक निजी अस्पताल सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दे और सेवा भाव से मरीजों का इलाज करें निजी अस्पताल में जो मरीज अपने खर्च पर इलाज के लिए तैयार होगा उसी मरीज को निजी अस्पतालों को दिया जाएगा बशर्ते कि अस्पताल मानक हो वही संक्रमित व्यक्ति को जांच के लिए अनुमंडल स्तर जिला स्तर एवं एन एम सी एच पी एम सी आई जी आई एम एस एम्स में व्यवस्था दी गई है कोरोना जांच के लिए निजी क्षेत्र के पैथोलॉजी लैब को मान्यता दी गई है इसी क्रम में पारस अस्पताल को रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोविड नाइन्टीन की जांच की अनुमति दी गई है संदिग्ध मरीजों जैसे बुखार सर्दी सांस लेने में तकलीफ़ की जांच फ्लू कॉर्नर में करना और संक्रमित मरीजों की पूरी रिकॉर्ड भी रखना अनिवार्य होगा सीवियर एक्यूट रेपरेटरी इलनेस की स्क्रीनिंग और निगरानी निजी अस्पतालों में भी की जानी है इसकी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है आपको बता दें कि राज्य में हो रहे कोरोना विस्फोट के कारण सभी मरीजों को समुचित इलाज दे पाने के लिए सरकारी अस्पताल कम पड़ रहा है कोरोना के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर हो या एन एम और एम्स हर जगह मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वन इलेवन के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें